बिग बॉस सीज़न 18 का ये आया वोट। बिग बॉस सीज़न 18 के वोटिंग ट्रेंड में बदला सारा खेल। बिग बॉस के घर में हुआ वोटिंग ट्रेंड में बड़ा उलट फेर। वोटिंग ट्रेंड में इस कंटेस्टेंट ने मारा बाजी। आखिर किसका होगा पत्ता साफ? मिड वीक में होगा बड़ा एलिमिनेशन। तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। दोस्तों, बिग बॉस के घर में एक तरफ टॉर्चर टास्क देकर बिग बॉस ने नया टाइम गॉड बनने की नई लड़ाई शुरू कर दी है, दूसरी तरफ वोटिंग ट्रेंड क्या कहता है, कौन होने वाला है नंबर वन और किसकी लगने वाली है बैंड, आखिर कौन होगा इस मिडवीक घर से इविक्ट, क्योंकि यहां पर है 7 कंटेस्टेंट नॉमिनेट। आखिर किसमें है कितना दम? क्या वाकई में करणवीर मेहरा ने मारी है बाजी या फिर विवेंद्र सिन्हा कर रहे हैं राज? क्योंकि वोटिंग ट्रेंड में दो बड़े नाम हैं और दो बड़े नाम नहीं, कई सारे बड़े नाम नजर आ रहे हैं, लेकिन किसको सबसे ज्यादा वोट मिल रहा है, कौन हो चुका है सेफ, ये सारी बातें जो है वो आज के इस वीडियो में जानेंगे। वोटिंग ट्रेंड में बड़ा उलट फेर हुआ है जहां पर नंबर वन पर विवेंद्र सिन्हा चल रहे थे, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि फिलहाल के लिए नंबर वन पर आ चुका है दूसरा कंटेस्टेंट। इस लिस्ट में 7 कंटेस्टेंट नॉमिनेट है, करणवीर मेहरा, विवेंद्र सिन्हा, दिग्विजय राठी, अविनाश मिश्रा, चाहत पांडे, कशिश कपूर और एलिश कौशिक। दरअसल बिग बॉस के घर में सबसे कम जो वोट जिसे मिल रहा है वो है एलिश कौशिक, जिसको नंबर 7th पोजिशन पर बहुत ही कम वोट आ रहा है। यहां पर है आपके सामने लिस्ट, वोटिंग ट्रेंड क्या कह रहा है। 6th पोजिशन पर कशिश कपूर है, कशिश कपूर को भी बहुत ही कम वोट मिल रहा है, लेकिन ये सबसे अच्छी बात है कि स्प्लिट विला के लोग जो है वो कशिश को एटलीस्ट सपोर्ट कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि पांड्या स्टोर के फैंस जो है वो कशिश को उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और कशिश कपूर को सपोर्ट मिल रहा है, वोट मिल रहा है। दिग्विजय राठी के भी फैंस कशिश को वोट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों में भी एक बड़ी दोस्ती है और स्प्लिट विला से एक दूसरे को जानते हैं। 5th पोजिशन पर चाहत पांडे हैं, हालांकि चाहत पांडे घर में रहना अभी भी डिजर्व करती हैं, उनका गेम काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन चाहत पांडे जो है वो बड़े बड़े नामों के बीच में 5th पोजीशन पर आ गई हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इस वीकेंड कुछ भी हो जाए चाहत पांडे जो है वो सेफ हैं और घर में आगे भी आपको नजर आएंगी। 4th पोजीशन पर है अविनाश मिश्रा, बिग बॉस के घर में अविनाश मिश्रा का जो जादू है वो 4th पोजीशन पर चल रहा है, वोटिंग ट्रेंड में 4th पोजीशन पर आ गए हैं। हालांकि मुझे ये ऐड करना होगा कि इसके पहले अविनाश 3rd पोजीशन पर थे, लेकिन फिलहाल के लिए दिग्विजय राठी ने बाजी मार लिया है और 3rd और 4th में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, कभी दिग्विजय राठी और कभी अविनाश मिश्रा ऊपर नीचे हो रहे हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा जो मेजर जो आया है वो है नंबर 1 और नंबर 2nd की पोजीशन पर, करणवीर मेहरा, जिसका कल तक कुछ भी गेम नहीं था। करणवीर मेहरा जो लगातार ये लग रहा था कि शायद वो खुद ब खुद ही क्विट कर देंगे शो को या फिर उन्होंने हार मान ली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संदीप सिकंद के समझाने के बाद और बिग बॉस के गेम बदलने के बाद करणवीर मेहरा इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि अब विवेंद्र सिन्हा को पछाड़ कर नंबर 1 की गद्दी हासिल कर ली है और दूसरे पोजीशन पर है नन अदर देन विवेंद्र सिन्हा। हालांकि विवेंद्र सिन्हा अब तक टॉप पर चल रहे थे, फिलहाल के लिए करणवीर मेहरा वोटिंग ट्रेंड में नंबर 1 पर हैं। इन दोनों में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कभी भी विवेंद्र सिन्हा नंबर 1 पर आ सकते हैं और करणवीर मेहरा जो है वो नंबर 2nd पोजीशन पर आ सकते हैं। नंबर 1 और नंबर 2nd की बात करें तो इसमें ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बाकी के जितने भी वोट्स हैं वो काफी ज्यादा कम है। तो जाहिर सी बात है लास्ट तक जो वोटिंग ट्रेंड है उसमें सबसे बड़ा जो झटका लग सकता है मिडवीक में वो है एलिश कौशिक, क्योंकि एलिश कौशिक को बिल्कुल कतई ना के बराबर वोट मिल रहा है। आप बताना कमेंट बॉक्स में, क्या आपको भी लगता है कि एलिश को घर से एलिमिनेट कर देना चाहिए? वैसे भी वो विवेंद्र सिन्हा के ग्रुप में बैठकर और तीनों अविनाश मिश्रा, ईशा सिंह और एलिश कौशिक विवेंद्र के ही खिलाफ बगावत कर रही, के खिलाफ ही चुगलियां कर रही हैं। मैं जानना चाहूंगा आप सभी का ओपिनियन इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी पर, और हाँ, आप किसे चाहते हैं कि वो कंटेस्टेंट हो जाए सेफ, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।